गार्डो का हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट लेटर सीरीज, जिसके अंदर हम 11th में आपके 11th की कंप्लीट स्टडी कराने वाले हैं, वो भी फ्री। सो हमने इस बिल्डिंग सीरीज में नए नए जो वर्ड्स हमारे अकाउंट्स में आते हैं उनकी मीनिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम दो नए वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। पहले का नाम है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर किसको बोलते हैं? से ये हमारा एक बिजनेस है। अब हम बिजनेस में क्या करते हैं? लोगों से सामान खरीदते हैं और सामान बेचते हैं। मान लो ये एक सप्लायर है मिस्टर एक्स, इससे हमने सामान परचेज किया, किसमें? ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर हमने मिस्टर एक्स से सामान उधारी में परचेज किया है तो क्या फ्यूचर में हमें इन्हें पैसे देने हैं क्या? क्या बोला? क्या फ्यूचर में इन्हें हमें पैसे देने हैं? इज मनी पेबल? तो आंसर है हाँ, इन्हें हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं, है ना? ओके। और जो हमें सामान बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं? चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में, उसको हम बोलते हैं सप्लायर। मान लो ये एक और व्यक्ति है मिस्टर वाई, इससे भी हमने सामान परचेज किया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, सॉरी ऑन कैश, ऑन कैश। अब मुझे बताओ क्या इसे मिस्टर वाई को हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं क्या? मनी इज पेबल? तो आंसर है सर नहीं देने, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैश लेके पैसा सामान लाया है। क्या ये हमारा सप्लायर है? आंसर हाँ, ये हमारा सप्लायर है। चलो एक और आते हैं। मान लो मिस्टर जेड है, इससे हमने लोन लिया, क्या इसे हमें पैसे देने हैं क्या? आंसर है हाँ, इसे हमें पैसे देने हैं। तो इनमें तीन लोगों में से दो लोगों हम, जो पहला व्यक्ति था जिसे हमें समान हमें पैसे देने हैं, लेकिन किस बात के देने हैं? गुड्स और सर्विसेज हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट, उस बात के देने हैं। इस व्यक्ति को हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स, यस। क्या ये भी हमारा क्रेडिटर है? नो सर, ये हमारा क्रेडिटर नहीं है। क्यों नहीं है? इसे पैसे हमें नहीं देने हैं। सर इसे तो पैसे देने हैं, ये क्या हमारा क्रेडिटर है? तो आंसर है नहीं, ये हमारा क्रेडिटर ये भी नहीं है। सर इसे तो पैसे देने, ये क्यों नहीं है? इसे हम ट्रेड क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, इसे हम अलग लायबिलिटी बोलेंगे, बैलेंस शीट की इसकी क्लासिफिकेशन अलग जरूरी, ठीक है? इसे हम लेंडर बोलेंगे, नॉट क्रेडिटर। आई होप क्रेडिटर क्या समझ में आया? सर उसको समझ में आया। तो अब आ जाते हैं इसको मीनिंग लिख लेते हैं। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू होम मनी इज पेबल, लेकिन इसलिए ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? वो सारे पर्सन और या ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी बिजनेस हमने सामान परचेज किया तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हमें पैसे देने हैं, हमें पैसे देने हैं, लेकिन किस बात के? गुड्स और सर्विसेज देने हैं, उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल,
गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 इज परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट हियर मनी इज पेबल टू मिस्टर एक्स फॉर गुड्स he is our creditors. तो क्या समझ में आया? बहुत सारे पर्सन और ऑर्डर्स जिसे हमें पैसे देने हैं, लेकिन याद रखना किस बात के देने हैं? ग्रुप्स और सर्विसेज देने हैं, उस व्यक्ति को हम बोलेंगे क्रेडिटर या उस ऑर्डर को बोलेंगे क्रेडिटर्स. नो डाउट, नो डाउट. तो आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में. लेकिन मान लो ये हमारा बिजनेस है, हम अगर हर बार दुकान से सामान खाली तो परचेस करेंगे तो सेल भी करेंगे, खाली परचेस करेंगे नहीं. हमने मान लो इस बार सामान सेल किया मिस्टर ए को, सोल्ड ऑन गुड्स बेचा क्रेडिट में. अब मुझे बताओ मिस्टर एक्स से हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं क्या? तो यस, मनी इज रिसीवेबल. चलो हमने मान लो एक और बंदा है मिस्टर ली, इसे हमने कैश में सामान भेजा. बताओ क्या इससे हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं क्या? मनी इज रिसीवेबल आंसर है. मान लो एक पर्सन है जेट, इसे हमने एडवांस यानी लोन दे रखा है, क्या इसे पैसा लेना है? यस सर, इसे तो पैसे लेने हैं, इसे पैसे हमें लेने थे. क्या इस व्यक्ति को जिससे हमें पैसे लेने थे किस बात के? गुड्स और सर्विसेज हमने बेचा था, उस व्यक्ति को बोलेंगे क्या सर ये कस्टमर हमारा डेटर है? तो आंसर क्या इसे पैसे लेने थे? नहीं, क्योंकि हमारा डेटर नहीं. सर इसे पैसे लेने थे, ये डेटर है क्या? नहीं है, क्योंकि इससे हमें गुड्स के पैसे नहीं लेने थे. तो डेटर किसको बोलेंगे? एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पर्सन जिससे हमें पैसे लेने हैं. फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल, लेकिन किससे लेने हैं? बिकॉज हमने उसे गुड्स बेचा था. आप उसको बोलते नहीं सर जिससे पैसे ले तो उसी को क्रेडिटर बोलते हैं. तो इसीलिए इसको आज नया वर्ड यूज करता है, ट्रेड डेटर्स यानी बिजनेस में वाले डेटर्स. ठीक है, एडवांसेस और डेटर हमारे बैलेंस शीट में दोनों अलग अलग हेड्स में आते हैं. तो कुछ लोगों में कंफ्यूजन होता है, जिससे भी पैसे लेने वो हमारा डेटर होता है. बहुत बार कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, बट रिमेंबर दोनों अलग अलग है. ठीक है, सो इसकी मीनिंग आ जाते हैं. A person or organization from whom, जिसे हमें मनी लेना है, from whom money is receivable, लेकिन किसलिए? On account of goods or services is called.
कुछ जानते हैं टिकट फ्रॉम एंट्री, डेटर्स को और क्या बोलते हैं, डेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड परमिसिबल, हालांकि इसमें दो आता है डेटर प्लस पैसे देने हैं, भरने हैं, वो लायबिलिटीज है, और डेटर जिसे पैसे लेने हैं, दोनों गुड्स के लिए। डेटर एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटीज है, क्रेडिटर सामान खरीदते हैं, डेटर को सामान बेचते हैं, सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।